हो हंगामे के बीच संसद का मॉनसून सत्र करीब करीब धुल चुका है, लेकिन विपक्ष की हंगामे की राजनीति का दाव सरकार के एक दाव से बेकार होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोकसभा में ओबीसी आरक्षण पर राज्यों को अधिकार देने वाला बिल पेश कर दिया तो विपक्ष को भी कहना पड़ा हम साथ साथ हैं। जब E-102 अमेंडमेंट बिल पास किया गया था बाहुबली से हमारी बात नहीं सुने गए। कभी कृषि बिल के नाम पर बवाल, सभापति जी ये गलत बोल रहे हैं अधिरंजन जी, हम कभी पेगासस पर संग्राम, कृपया हम लोग न सुने। लेकिन ओबीसी बिल पर थमा मॉनसून सत्र का महाभारत। जो दो दल के विरोध में वो ना कहें। सोमवार को जैसे ही लोकसभा में केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ा अहम विधेयक पेश किया, विपक्ष के सुर बदल गए। विपक्ष के हंगामे वाले तेवर के आगे मॉनसून सत्र संग्राम में बदल गया था, लेकिन मोदी सरकार ने अब विपक्ष को सरकार के साथ खड़े होने पर मजबूर कर दिया। हम सभी विरोध पार्टी के जितने भी नेता है और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बिल का हम समर्थन करेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है कि विपक्ष के तेवर नरम पड़ गए हैं। सभापति जी ये गलत बोल रहे हैं अधिरंजन जी, हम केंद्र सरकार जो संशोधन विधेयक लेकर आई है उसके पास होते ही राज्यों को ओबीसी की लिस्ट में नई जातियों को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहना होगा। राज्य सरकारें अपने यहाँ किसी जाति को ओबीसी समुदाय में शामिल कर सकेंगी। जाहिर है मामला एक बड़े वोट बैंक से जुड़ा है, तो विपक्ष भी इस बिल की राह में रोड़ा अटकाने से बचना चाहता है। देखिए विपक्ष कतई नहीं चाहता कि सदन चले, लेकिन ये संविधान संशोधन पर वो अपनी फेस सेविंग भी चाहते हैं। सरकार ही उसको लेकर आई है, आज इंट्रोड्यूस हुआ है तो स्वाभाविक है आज इंट्रोडक्शन होगा, फिर चर्चा शायद आने वाले कल या जो भी तारीख तय होगी उस पर चर्चा माननीय स्पीकर महोदय तय करेंगे, उस पर चर्चा होगी। इस संशोधन बिल को पास करना और करवाना सभी पार्टियों की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी जाति को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, राज्यों के पास नहीं। और इसी का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी, जिसके बाद नियमों में संशोधन अब जरूरी हो चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के अलावा हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल और कर्नाटक में लिंगायत समेत कई समुदाय के लोग खुद को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग करते आए हैं, और इसीलिए नाना करते भी सरकार का साथ देना विपक्ष की मजबूरी बन चुका है। सवाल वोट बैंक का है तो सभी पार्टियों ने आज अपने सांसदों को लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।